नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। और मार्केट्स में एटलीस्ट 17,300 निफ्टी होल्ड कर रहा है। डिस्पाइट आज उतार चढ़ाव जरूर मार्केट्स में देखने को मिला, लेकिन आज सुबह से ही इंट्राडे में भी निफ्टी ने 17,300 को होल्ड किया। फिलहाल दिन के निचले स्तरों के आसपास जरूर ट्रेड हो रहे हैं, लेकिन अभी भी मार्केट एक रेंज बाउंड है। कह लिए चलिए 17,300 भी गया, 17,294 17,296 के स्तरों पर निफ्टी पहुंचता हुआ, और अब निफ्टी जो है वो डे लोज के आसपास काम काज कर रहा है। ये जो गिरावट है ये एकाएक आई है। कुछ देर पहले 17,320 17,330 के आसपास काम काज कर रहा था। मिनट बाय मिनट चार्ट लेके आए डॉक्टर साहब, क्योंकि वहां पर ज्यादा क्लियर रिफ्लेक्शन होगा। एकाएक बाजार के अंदर जो डिप है वो भी आया है, लेकिन फिर भी एक रेंज के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अभी भी मोर लेस फ्लैट फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी मोर लेस रेंज बाउंड ट्रेड दिखाता हुआ, लेकिन हाँ आज भी जो हैवी वेट्स हैं वो अभी भी कामकाज कर रहे हैं। हायर लेवल से निफ्टी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 150 अंकों की गिरावट हायर लेवल से निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। निफ्टी बैंक करीब 120 अंक नीचे अभी भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां पर भी हायर लेवल से बिकवाली है, लेकिन मिड कैप अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में हायर लेवल से 600 अंकों की गिरावट है और करीब करीब 120 अंक नीचे ट्रेड करता हुआ प्रेशर है। आज मिड कैप में हायर लेवल से बिकवाली, लेकिन निफ्टी बैंक में प्रेशर है। थोड़ी बहुत खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी एफएमसीजी में, थोड़ी बहुत खरीदारी दिखाई पड़ेगी आपको आईटी में, जो कि आज फिर भी एटलीस्ट कुछ सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी एकाएक बिकवाली मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में आई है, दोनों में हायर लेवल से स्लाइट डिप मार्केट्स में जरूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। राजेश पालवी हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज के। राजेश जी से हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स को लेकर उनकी राय रणनीति समझेंगे, पूछेंगे कि वो कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को। और राजेश जी से बातचीत करने से पहले एक बारी कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डाल लेते हैं, किस तरह की पोजीशनिंग अभी देखने को मिल रही है निफ्टी निफ्टी बैंक में। क्योंकि 17,300 के केस में निफ्टी ने एक बढ़िया पुटराइटस एक्टिव थे, लेकिन वो 17,200 की तरफ आप ज्यादा तवज्जो दीजिए, कि वहीं पर ही मेजर पुटराइटस अभी एक्टिव है। ऊपर 17,300 पे कॉल राइटिंग, 17,400 पे कॉल राइटिंग, 17,500 पे कॉल राइटिंग, लेकिन 17,200 एक नियर टर्म बेस मार्केट एटलीस्ट मान रहा है, 17,200-17,250 के आसपास के लिए। नीचे की तरफ 17,000 को आप स्ट्रांग बेस मानेंगे, जहां से कल बाजार ने पुल बैक लिया था, और आज भी 17,200-17,150 वो लेवल्स है जिनको नियर टर्म बेस के तौर पे मार्केट एटलीस्ट मान रहा है। बाकी हम राजेश जी से बातचीत करेंगे। निफ्टी बैंक के केस में जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी फीकी जरूर होगी, क्योंकि पिछले सत्र में निफ्टी बैंक ने ड्राइव किया था मार्केट के सेकंड हाफ की तेजी को। आज निफ्टी बैंक में 36,300 या फिर 36,000 के जोन्स पे आपको मेजर पुट राइटर्स दिखाई पड़ेंगे, और हायर लेवल्स पे 36,500-37,000 के जोन्स में कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। करीब करीब 36,500 का जोन ऐसा है जहां पर कॉल राइटर्स आपको ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। हीट मैप में क्योंकि थोड़ा सा शिफ्ट जरूर हुआ है पिछले 10-1 मिनट में, मार्केट्स हायर लेवल से थोड़ा ईज आउट हुआ है, इसलिए रेशियो आपको बियरिश साइड ज्यादा दिखाई पड़ेगा बुलिश साइड के कंपैरिजन में, क्योंकि ऊपरी स्तर से थोड़ी बहुत बिकवाली आई है। और मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में एटलीस्ट जो तेजी थी वो घटी है, तो 40-60 का रेशियो आप मान के चलिए, इसलिए मार्केट्स में बियरिश साइड पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब चलते हैं राजेश जी के पास और बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी इंदौर की होली पूरी कर आज लौटे हैं, कल उन्होंने फेसबुक पर डाला भी था वो इंदौर की बढ़िया विजुअल बहुत सारी होली होने के। राजेश जी पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट्स में हायर लेवल से बिकवाली जरूर आई है, इतना बड़ा कोई कंसर्न सो फार तो नहीं दिख रहा, लेकिन आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स में, क्योंकि दिन भर रेंज में अभी अभी थोड़ी देर पहले रेंज को का लोअर एंड तोड़ा है, तो क्या कुछ कंसर्न बढ़ रहा है या फिर अभी नहीं, अभी लोअर लेवल पे बाय जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए कंसर्न तो नहीं है मार्केट में, मार्केट का स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है पिछले दिनों में, जो रिकवरी बनी है और हम 17,200-17,300 के लेवल को जिस तरीके से प्ले आउट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यहाँ से जो डिप मिल रही है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही सेटअप हमें लगता है कि ये जो करेक्शन है ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए, क्योंकि अभी भी हम देखें तो जिस तरीके की रिकवरी बनी और जो मार्केट ने जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग दिखाई थी पिछले कुछ दिनों में, वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट अब लाइट है, जो शॉर्ट थे वो सिस्टम से कहीं ना कहीं कट होते हुए दिख रहे हैं। और आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो 17,200-17,300 पे काफी पुट राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली, हालांकि कल वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा सा कॉल राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन 17,400-17,500 की स्ट्राइक पे बनाई है। तो हमें लगता है कि कल के सेशन तक थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर बना रहेगा 17,450 से लेके 17,500 के जोन में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कल तक के सेशन के लिए। ये लेवल अगर निकल जाते हैं आज या कल में
तो फिर एक बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव भी बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि अभी की पोजीशन के हिसाब से हमें लगता है कि 17,450 से 17,500 एक हर्डल जैसा काम करेगा कल तक की एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमें लगता है कि ये लेवल निकलने के बाद मार्केट अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रखेगा। अभी हमें लगता है जो डिप मिली अभी आप जब से आपने डिस्कशन हमने चालू किया है, तो मार्केट ने जरूर एक 30-40 पॉइंट का एक कट जरूर दिया, लेकिन हम ये डिप जो है अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करेंगे। 17,250 से लेके 17,240 ये एक जोन है जहाँ पे अगर निफ्टी स्पॉट अवेलेबल होता है तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 17,200 के आसपास। ये स्टॉप लॉस जब तक ब्रेक नहीं होते हमें लगता है इसके नजदीक जितनी भी डिप मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। अपसाइड में इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है निफ्टी स्पॉट के जो लेवल है जहाँ पे निफ्टी आते हुए दिख सकता है वो है 17,340 से लेके 17,360। ये दो लेवल है हमें लगता है इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट के लिए डिप्स में निफ्टी बाय करें 17,200 के स्टॉप लॉस से। तो 17,450 यहीं पे मेजर कॉल राइटर एक्टिव है और वही वो जोन है जहां पे थोड़ी बहुत सप्लाई आएगी, लेकिन वो ब्रीच करता है तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट को शायद देखने को मिलेगी। सो फार राजेश जी को कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है, बाय ऑन डिप्स ये उनकी रणनीति रहेगी और उसी के हिसाब से आप मार्केट्स में चलेंगे। मार्केट में स्टॉप लॉस आपका 17,200 होगा, टारगेट आपके 17,360 होंगे, 17,450 पे आपकी नजर होगी, वो ब्रीच होता है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए आप और बढ़िया ट्रेड देख सकते हैं। अच्छा राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप नजर रखेगा? अच्छा ये दूसरा निफ्टी बैंक को लेकर आपसे बातचीत नहीं हुई, निफ्टी बैंक में क्या करा जाए, क्योंकि वहां पर कल शॉर्ट कवरिंग बढ़िया तेजी में उसने पार्टिसिपेट किया था, फ्रंट लाइन को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से 17,300 पार हुआ था, आज थोड़ा फीका है, क्या करें इसमें? तो देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जो हुआ है ये तो एक रनअप के बाद जरूर मार्केट में बनता है, और जिस लेवल से आज करेक्शन स्टार्ट हुआ बैंक निफ्टी में वो है ऑलमोस्ट 37,000 के आसपास के लेवल, जो कि एक बड़ा हर्डल इस वीकली एक्सपायरी के लिए ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें लगता है 37,000 तो कल के सेशन तक थोड़ा सा हर्डल जैसा ही काम करेगा, बट डिप्स में हमें लगता है 36,000 से लेके 36,100 ये जो दायरा है ये काफी अच्छा सपोर्ट है, और हमें लगता है कि इसके आसपास बैंक निफ्टी अगर आता है तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हम सलाह यहाँ पे यही देंगे, अभी स्पॉट पे बैंक निफ्टी 36,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से 50 पॉइंट 100 पॉइंट का और डिप भी मिलता है तो उसको बाय करें। 36,000 का ही स्टॉप लॉस रखने की सलाह देंगे हम, 36,000 बैंक निफ्टी पे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। और अपसाइड में हमें लगता है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 36,650 से लेके 36,800 यही रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी आती तो प्रॉफिट बुक करें। तो डिप्स में बाय करेंगे 36,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी भी। डिप्स में बाय करेंगे 36,600 के टारगेट्स के लिए आप बैंक निफ्टी में 36,250 के स्तरों के आसपास निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है, एक बिकवाली यहां पर भी आई है, निफ्टी वापस लेकर आई है 17,250, ये जोन है जो अब निफ्टी टेस्ट कर रहा है, शायद जिस तरह से ऊपरी स्तरों से बिकवाली एक आई है ये कहीं ब्रीच होते हुए ना दिखाई पड़ा। तो 17,254 के स्तरों पर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ, लेकिन 17,200 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर निफ्टी में जा सकते हैं, राजेश जी का मानना है। 17,247 बातचीत करते करते निफ्टी दिन के निचले स्तरों पर अब कामकाज करता हुआ दिख रहा है। HDFC लिमिटेड का एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, जहां पर होम लोन की जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है, और 2,00,000 करोड़ के जो होम लोन है वो कंपनी ने डिसबर्स किए हैं, ये एक और अपडेट। HDFC लिमिटेड हालांकि 0.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। राजेश जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी है, कहां पर मंदी देख रहे हैं? तो सुमित जी देखिए, पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो फाइनेंस सेक्टर से है, और L&T फाइनेंस होल्डिंग ये हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में आज काफी अच्छा मोमेंटम बना है, करीब 6% के आसपास स्टॉक पॉजिटिव साइड में ट्रेड कर रहा है। कल के सेशन में जिस तरीके से स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बना था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रही, तो L&T फाइनेंस हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं करीब 80 रुपए के आसपास, इसमें आप स्टॉप लॉस रखें करीब 77.50 का, और अपसाइड में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 84.50 से लेके 86 तक के लेवल इस स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो पहला स्टॉक होगा L&T फाइनेंस। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हम डॉक्टर रेड्डी पे बाय करने की सलाह देंगे। डॉक्टर रेड्डी में जिस तरीके से थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, आज के सेशन में भी काफी अच्छी बाइंग ओपनिंग के बाद से देखने को मिली, और स्टॉक में हायर साइड पे कंसोलिडेशन आज के सेशन में होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं, 41.67 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं, इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करीब 41,110 के आसपास,
और अपसाइड के टारगेट हम इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 4250 से लेके 4270 तक के। तो दूसरा स्टॉक होगा डॉक्टर रेड्डी, और जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो आईटी स्पेस से और एलटीटीएस एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये स्टॉक को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। जिस तरीके से ये स्टॉक में कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट पे जो ब्रेकआउट बने हैं, हमें लगता है एलटीटीएस यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। आईटीएस है सेक्टर में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, फार्मा आईटी दोनों सेक्टर में एक अच्छा बाइंग बना हुआ है। तो हमें लगता है एलटीटीएस में यहाँ पे जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब 5020 से लेके 5040 तक के। लोअर साइड पे स्टॉप लॉस इसका सजेस्ट करेंगे 4870 का, 4870 का एक स्टॉप लॉस। एलएनटी टेक में आप लॉन्ग साइड पोजीशन बना सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज का नाम भी शुमार है, जहां पर आप 30 साइड पर अपनी पोजीशन यानी लॉन्ग साइड पोजीशन अपनी लेकर चल सकते हैं। 4270 के टारगेट्स के लिए आप वहां पर नजर रखेंगे। और लास्टली इंडेक्स का टॉप गेनर एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, 3 दिनों में करीब करीब 10% के आसपास का एक बढ़िया मूव, 15% के आसपास का दिखा चुका है, वॉल्यूम बेस्ड बाइंग है और वो राजेश जी को और तेजी में कन्वर्ट होते हुए दिख रही है। 85 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर दाम लगाएं मोटा मोटा, और 70 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हो। तो इंडेक्स का टॉप गेनर रहा एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, जिसके ऊपर राजेश जी ने तेजी की राय दी। अच्छा, दूसरा नाम जो इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार है वो है इंडियन होटल्स का। इंडियन होटल यहां पर क्यूआईपी, दूसरा क्यूआईपी 2000 करोड़ रुपए का जो कंपनी रेज कर रही है और एक स्ट्रांग डिमांड देखने को मिले। सबसे पहले यह खबर आपको बताई यतिन मोहता ने सीएनबीसी आवाज पर, और यतिन हमारे साथ मौजूद भी है। यतिन, एक शानदार रिस्पॉन्स इंडियन होटल्स में देखने को मिल रहा है, 5-5.5% के आसपास की जोरदार तेजी है, और इस तेजी में दूसरी फंड रेज हो रही है 2000 करोड़ रुपए की, और इतनी स्ट्रांग डिमांड उसमें भी। बिल्कुल, तो सुमित अगर हम बात करें इंडियन होटल्स की, तो अगर आपको याद है दिसंबर में कंपनी ने राइट्स इश्यू कंक्लूड किया था, वो भी करीब इसी साइज का था, और यस्टरडे रात को भी क्यूआईपी इंडियन होटल्स ने लॉन्च किया है ताकि वो 31 मार्च के पहले पहले अपनी पूंजी जुटाने की सारी जो कवायद है वो कंप्लीट कर सकें। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 2000 करोड़ का ये क्यूआईपी कंपनी ने किया है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसको देखने को मिला है। ट्रैवल टूरिज्म तो पिकअप हो ही रहा है, तो यही थीम पे काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जहां तक कि क्यूआईपी की दूसरी डिटेल्स का सवाल है, 203.50 रुपए के आसपास इसका बेस प्राइस है, और यहाँ ये बेस प्राइस पे कंपनी लगभग 5% तक डिस्काउंट दे सकती है। जरूरी नहीं डिस्काउंट दे, लेकिन डिस्काउंट का प्रावधान जरूर है। डिमांड को देखे लग रहा है कि करीब करीब इसी लेवल्स के आसपास आपको क्यूआईपी होता हुआ दिखाई दे इंडिकेटिवली। और जहां तक की हमारी जानकारी है और कंपनी का जो फैसला है, सारा का सारा फंड जो है वो कर्ज चुकाने में चला जाएगा, क्योंकि कंपनी का गोल है कि अगले 12 महीनों में डेट फ्री हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो गोल कंपनी अचीव करता हुआ आपको दिखाई देगा इस क्यूआईपी और राइट्स इश्यू के फंडरेज के जरिए। और क्यूआईपी को जैसे कि मैंने पहले कहा, काफी अच्छी डिमांड ऑलरेडी आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से दिखाई दे रही है, और एफआईआई से भी काफी अच्छा इंटरेस्ट आ रहा है। तो बढ़िया डिमांड, और डिमांड का रिफ्लेक्शन साफ तौर पर स्टॉक प्राइस पर है। 5% की शानदार तेजी डे हाई पर, कल की 1.5 से 2% की तेजी के बाद आज का फॉलो अप बाइंग और 5% का उछाल स्टॉक में देखने को मिल रहा है। राजेश जी, इंडियन होटल्स बढ़िया क्यूआईपी डिमांड है और डे हाई पर शेयर कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? किसी पे है पोजीशन तो कहां पर टारगेट रखें, क्या स्टॉप लॉस? तो बिल्कुल देखिए, काफी अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में, और जिस तरीके से डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए हैं वो ये दर्शाते हैं कि स्टॉक में हमें लगता है यहाँ से 230 तक की अपसाइड भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। आज के अगर हम डेटा की बात करें तो जिस तरीके से इसमें कॉल कॉन्सेंट्रेशन था 220 की स्ट्राइक पे, वो कहीं ना कहीं पोजिशन अनवाइंड होते हुए दिख रही, तो हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से मोमेंटम और एक्सटेंड हो सकता है। जिनके पास पोजिशन है वो कैरी कर सकते हैं 230 के टारगेट के लिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर ले, अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे जो कंटिन्यू हुआ है, हमें लगता है 217 का स्टॉप लॉस रखें और 230 के टारगेट इंडियन होटल में आते हुए दिख सकते हैं। तो इंडियन होटल्स डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है 5.5%, 5.75% के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला, तो एक अच्छी तेजी। और इंडेक्स के टॉप गेनर्स में अभी ये स्टॉक भी शुमार है, और इनफैक्ट टॉप गेनर ही बन चुका है अब तो। 6% की तेजी के साथ इंडियन होटल और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग दोनों में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। आईएक्स, एमजीएल और डॉक्टर रेड्डीज कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, राजेश जी से हम आगे बातचीत करेंगे, एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे जानेंगे। आमतौर पर राजेश जी के सस्ते ऑप्शन बढ़िया तेजी दिखाते हैं, इंट्राडे में टारगेट भी अचीव कराते हैं, तो उनसे हम चर्चा करेंगे उनके सस्ते ऑप्शन को लेकर। कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में एक डिप और डिप के बाद स्लाइट पुल बैक आप कह सकते हैं, क्योंकि करीब करीब 17,245 के लोज
और वहां से 40 अंकों के आसपास का एक रीबाउंड मार्केट ने जरूर दिखाया है, लेकिन अभी भी 1/4% नीचे कामकाज कर रहे और हायर लेवल से अभी भी बिकवाली के साथ मार्केट ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, बाजार में एक बढ़िया मूड माहौल एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट में तो कुछ शेयरों में देखने को मिल रहा है, सस्ता ऑप्शन कहां से आइडेंटिफाई किया आपने? तो सुमित जी देखिए, सस्ता ऑप्शन हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो मेटल पैक से है और उसमें हमें स्टील अथॉरिटी का स्टॉक यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। हालांकि स्टॉक में पिछले दिनों में एक करेक्शन देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके के रिकवरी लोअर साइड से बनी है सेल में, हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ पे पोटेंशियल है। ये स्टॉक यहाँ से अब 110-115 की तरफ वापस से मूव करते हुए दिखेगा। हमारा व्यू इसमें पोजिशनली बुलिश है, तो हम यहाँ पे अप्रैल सीरीज का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। 100 rupees की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें अप्रैल सीरीज का, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है करीब 6.25 rupees, 6.30 rupees के आसपास। तो हमें लगता है थोड़ा सा इसको पोजिशनली अगर होल्ड करेंगे तो ये ऑप्शन में हमें लगता है टारगेट आना चाहिए करीब 10 rupees से 11 rupees तक की अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम करीब इसमें 4 rupees का। तो सेल स्टील अथॉरिटी का 100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज का बाय करने की सलाह रहेगी। अप्रैल का आप ध्यान रखें, अप्रैल का ही बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि मार्च में बहुत दिन बचे नहीं है, तो अप्रैल का 100 का एक स्ट्राइक जो कि 6.5-6 rupees के आसपास कामकाज कर रहा है उसकी कॉल आप खरीदेंगे। उसके टारगेट्स करीब 10 rupees या 11 rupees आपको दिख रहे हैं और 4 rupees का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। फंडामेंटल ट्रिगर के तौर पर प्राइस हाइक वो सेल और JSW स्टील दोनों की तरफ से अपडेट आए हैं और उसका भी एक टेलविंड स्पेस में कामकाज कर रहा है, बेटर रियलाइजेशन को लेकर या इनपुट कॉस्ट फर्दर पास ऑन करने को लेकर, तो वो भी एक ट्रिगर है। और अदरवाइज भी आप सेल में मोमेंटम को चेज कर सकते हैं, करीब करीब 10 से 11 rupees के टारगेट्स, 6.5-6 rupees की कॉल भी कामकाज कर रही है, 100 rupees की कॉल है अप्रैल की जिसमें आप तेजी खेल सकते हैं, 4 rupees का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अच्छा राजेश जी, चलते चलते ये गैस कंपनियों में कुछ नजर, महानगर गैस, कैश में बाकी कंपनियां जो हैं वो, या फिर गुजरात गैस, IGL, इनमें क्या करें, सब में एक अच्छा मोमेंटम आया है? तो बिल्कुल देखिए, आज गैस कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम तो बना है और हमें लगता है जिस तरीके से सेटअप है यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। गुजरात गैस, MGL दोनों के सेटअप में देखें तो MGL थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है, क्योंकि MGL में जो एक करेक्शन के बाद अभी जो पिछले 3-4 weeks से एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, हमें लगता है MGL में यहाँ पे पोटेंशियल है हायर साइड पे। ये 820-825 तक यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। करंट लेवल से MGL बाय किया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखें करीब इसमें 762 के आसपास, 762 का एक स्टॉप लॉस, और लॉन्ग साइड पर आप पोजीशन लेके जा सकते हैं महानगर गैस में। अगर आप कोई स्पेस की कंपनी चुनना चाह रहे हैं तेजी के लिए तो महानगर गैस एक ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए, इंडेक्स पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। तो इंडेक्स को लेकर तेजी राजेश जी की तरफ से रणनीति है जिसमें आप 17,200 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और लॉन्ग साइड पोजीशन लेके जाएंगे। निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों बाय ऑन डिप्स रहेंगे और इंडिविजुअल कॉल्स में उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज, L&T फाइनेंस होल्डिंग, L&T टेक, और साथ साथ उनको लगता है कि एक बढ़िया सस्ते ऑप्शन तौर पर आप सेल की अप्रैल की जो कॉल है 100 की वो आप खरीद सकते हैं। चले इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस मीटिंग है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एक इन्वेस्टर को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहे हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं, वे फंड और सिक्योरिटीज को अपने ब्रोकर के पास बेकार नहीं पड़े रहने देते हैं। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के 1 साल से ज्यादा अगर फंड ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाता है और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए सजग रहें।